हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबका इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप के एक बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में। देखिए, ये फीचर कुछ दिन पहले आ चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इसका यूज करना नहीं सीखा है तो आज की वीडियो देखकर आप इसका यूज करने लग जाएंगे। देखिए, ये फीचर जो है, जब आप किसी को व्हाट्सएप में फोटो सेंड करते हैं, मान लीजिए दोस्तों आप किसी को कुछ प्राइवेट फोटो भेज रहे हैं या किसी को आपने कोई प्राइवेट वीडियो भेजा है और आप चाहते हैं कि वो वीडियो दोस्तों वो एक बार देखिए उसके बाद वो डिलीट हो जाए, मतलब दोबारा ओपन ना हो, ना ही उसकी गैलरी में सेव हो, तो किस तरीके से दोस्तों आपको ये भेजना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फोटो के सामने, देखिए आपको इस समय दिखाई दे रहा है ये फोटो मैंने देखिए अपने दूसरे फ़ोन से इसमें सेंड करी हुई है। तो दोस्तों जब आप इसको भेजेंगे, देखिए यहाँ पे ये फोटो दोबारा देखिए मैंने एक बार वॉच कर ली है और ये वाली फोटो मैंने अभी अभी सेंड करी है। तो दोस्तों इसको देखिए, जो मैंने फोटो पहले देख ली है तो ये देखिए ओपन यहाँ पर नहीं होगी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रही है। जो दोस्तों मैंने दोबारा फोटो भेजी, देखिए ये ओपन हो जाएगी एक बार, देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों एक बार ये ओपन हो चुकी है। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ, अगर ये दोबारा देखिए ओपन करने के लिए इसे क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो नया फीचर है वो हमने ऐड करा हुआ है जिससे कि ये फोटो केवल हमको एक बार दिखाई देगी और ना ही ये हमारी गैलरी में सेव होगी। तो किस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, आज की वीडियो में हम यही देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये फीचर काम किस तरीके से करता है। देखिए, जैसे हमने इस वाले फ़ोन से इस फ़ोन में कोई फोटो भेजनी है और केवल हम चाहते हैं वो एक बार इस वाले फ़ोन में दिखाई दे, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाए, तो इस वाले फ़ोन से दोस्तों हमको देखिए क्या सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले हम फाइल पर अटैच करेंगे यहाँ पर और हम गैलरी पर चले जाते हैं। गैलरी पर जाने के बाद दोस्तों जैसे हमें यहाँ से कोई फोटो सेंड करनी है तो इस वाली फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फोटो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वन करके कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन होता है दोस्तों, जो जब आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये ग्रीन हो चुका है, मतलब ये देखिए ये फीचर इस पर लग चुका है कि ये फोटो जिस फोन में हम भेजेंगे वो एक बार ही उसको केवल दिखाई दे। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम कर देते हैं सेंड। तो चलिए दोस्तों दूसरे फोन में हमारे देखिए ये फोटो आ चुकी है, तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये फोटो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, केवल फोटो लिख के आया है और यहाँ पर डाउनलोड इसको करना पड़ेगा, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले। तो फोटो हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है, इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये फोटो हमने जैसे ही ओपन करी है हमको दिखाई दी है जो फोटो हमारी आई हुई है जिसे हमने सेंड कर दी दूसरे फ़ोन से। इसको जैसे हम बैक करते हैं उसके बाद ओपन लिखा हुआ आएगा, लेकिन दोस्तों इसको अब क्या होगा, हम दोबारा ओपन नहीं कर सकते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे लेकिन ये ओपन नहीं होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों ये फीचर काम करता है। देखिए दोनों इस वाले फ़ोन से हमने सेंड करी थी, यहाँ पर सेंड हो चुकी है, वन लिख के देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वन लिख के यहाँ से सेंड करी थी हमने, जिससे कि दोस्तों ये डिसअपीयर का ऑप्शन इसमें ऐड हो चुका था। और यहाँ पर ये जब फोटो आई हमने एक बार वॉच कर लिया इस फोटो को, उसके बाद देखिए ये फोटो यहाँ पर ओपन नहीं होगी और ना ही दोस्तों ये हमारी गैलरी में सेव होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये फीचर काम करता है। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये फीचर काम करता है। आप भी दोस्तों जब किसी को प्राइवेट फोटो किसी को भेज रहे हैं तो ये डिसअपीयर का ऑप्शन जो इसमें दिया है, नया अपडेट आया है इसमें, इसको लगाकर दोस्तों आप भेज सकते हैं किसी के पास, वो फोटो आपकी केवल एक बार ही वॉच कर सकेगा, उसके बाद वो ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।